गाइज अब हम आए हैं फॉर द ब्रेकफास्ट. कम लेट्स शो यू इनका डाइनिंग एरिया कैसा है. एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्पेस. हमने देखा था कि शादी में यहाँ पे खाया हुआ है खाना. इनका फूड बहुत टेस्टी है. इनकी प्रेजेंटेशंस भी अच्छी है. लेट मी जस्ट शो यू वंस. लेट्स गो. सो लेट्स हैव अ लुक. ये फ्रूट सेक्शंस हैं, जूसेस, लस्सी. हरियाणा आए और लस्सी ना मिले तो फिर क्या ही. ओके, हलवा, पराठा, छोले पूरी है. वाओ नाइस. एंड यहाँ प्रॉपर ब्रेड, बटर, टी, कॉफी, एवरीथिंग इज देयर. सो इट्स क्वाइट ब्यूटीफुल. ये स्लीपिंग बर्ड अभी भी नींद में है. क्या चल रहा है आपका? हाँ जी तो बता. आपकी तो किस्मत ही खराब हो गई लगता है. मेरे को मक्खी गिर गई है. वो ये कहाँ घुस रहे हो? इसको देखो. सो गाइस सबका ब्रेकफास्ट चल रहा है. मम्मी अच्छा है ब्रेकफास्ट? टेस्टी है? हाँ जी कैसा है ब्रेकफास्ट? मतलब ब्रेकफास्ट कितनी होता? टाइम से उठ गए हो ब्रेकफास्ट के लिए? हम दोनों तो बहुत देर के उठे हुए हैं. सो गाइस ये है हमारा फंक्शन का वेन्यू जो डेकोरेट होना स्टार्ट हो गया है पूरा. एंड इवनिंग में फंक्शन है. सो लेट्स सी. आपको फाइनल टच इवनिंग में ही दिखाएंगे. अभी आप थोड़ा सा स्नीक पीक देख लो बस. हमारा सेटअप लग चुका है इवनिंग के लिए. हमारी मेकअप आर्टिस्ट रेडी है फुल. सो हाँ बाद में रेडी हो गया. अब तो हमारी मेकअप आर्टिस्ट रेडी है. हमारी टीम आ चुकी है दिल्ली से सुबह सुबह. हमारा नहाना धोना पार पड़ा है तब तक. सो हम फुली सेट है. अब फटाफट से इवनिंग के लिए रेडी होते हैं. यहाँ पे भी हमारी सेटिंग हो चुकी है. सो आप हम आपको मिलेंगे इवनिंग में. दीदी मेरा 1:12 पे मेकअप शुरू कर रही है. ऐसा क्या है? 6 बजे जाना है आपको, 5 घंटे लगते हैं आपकी मैम को मेकअप करने में. अब देखते हैं प्रीति दीदी मेरे को कितनी देर में फ्री कर देती है. टारगेट मैं कुछ नहीं बोलना चाहती. 20 मिनट जनता के सामने. आई गिव यू 20 मिनट. ठीक है डन. लेट्स स्टार्ट. भाई तुम 9 बजे के फंक्शन के लिए 6 बजे क्यों, 6 बजे कह रहा हूँ, 1 बजे क्यों तैयार हो रहे हो? हमें अपने मेकअप पे पूरा भरोसा. पर हमें क्यों नहीं है? हमारे पास तो टाइम ही टाइम है. कभी 2 घंटे की लोट मारेंगे. फिर जब फंक्शन में जाना हो 10 मिनट पहले बता देना. 10 मिनट में तैयार हो जाएंगे. आओ गाइस एक कमरा पकड़ लो चलो. अरे प्रीति गाइज 1:39 हो रहे हैं एंड मुआ ने मुझे रेडी कर दिया है. और 10 मिनट्स दीदी के लड़कों ने वेस्ट कर दिया आपके. सो आई एम रेडी. बस लिप शेड रह गई है मेरी. वो इवनिंग में लगेगी लास्ट में बिल्कुल. थैंक्स गाइज थैंक्स. आई वॉज बॉर्न ब्यूटिफुल. तुम्हारे लिए पहले तेरा हेयर ड्रायर बना फिर दोबारा हेयर ड्रायर करो. हेयर ड्रायर भाई हेयर ड्रायर कैसे बनेगा विशु? अच्छा हमें क्या पता लड़कियों के काम. देखियो कल से आके बैठे कोई भी एक प्रोडक्टिव काम नहीं करा. आपके पति ने और धोखा दे दिया. वो अपने पैर दबाए चले. वो अच्छा वो स्पा गए. अंकित जी का ना अलग ही फन है स्पा. अंकित जी अम्बाला में भी थाईलैंड बना देते. जसप्रीत जी को आने दो भी. बस आ रहे हैं. अगर तो ये न्यूज दे देगा तो भागे भागे आएंगे. भागे भागे आएंगे. इसलिए कैमरा लेकर अंकित जी कमरे में घुस जाएंगे. अंकित जी और वहाँ पे ऐसे नंगे बैठे हो भाई. नहीं तुम दोनों कुछ काम क्यों नहीं कर रहे हो? क्या कर रहे हो यहाँ पे? हम जाओ जाके नीचे फूल लगवाओ. फूल लगा रहे जिनका काम है. हम क्या फूल लगा रहे? अब जाएंगे जिम. शाम में 8 बजे नेट फंक्शन में पहुंच जाएंगे. 8 बजे क्यों? 6 बजे का फंक्शन है. तो गाइस दूर से देखो रेखा दी जसप्रीत जीजू अच्छे से इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं सबको क्या करना है कैसे करना है. पूरी डेकोरेशन हैंडल कर रहे हैं. रेखा दी सबसे लेट है रेडी होने में. कि वेन्यू बहुत सुंदर लग रहा है धीरे धीरे जैसे जैसे कंप्लीट हो रहा है. हमारी लड़की आ चुकी है जो आज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है. लग नहीं रहा. लड़की आई मैं
देख लिया हमने ऊपर से, हमने देख लिया ऊपर। मैंने असली फूल के पैसे दिए, नकली कैसे लगा दिए? तो वो क्या लॉजिक था वैसे? असली के बाद ही अंदर लगेगा। मैंने कहा अच्छा और बाहर मैं नकली लगवा दूंगी, आपको लगता है मैं ऐसी हूं? मैंने कहा अभी के भी सारा टाक है, कहता है कि ना फिर क्या करना। मैंने कहा लगा दो सारा टाक, मैंने कुछ चाहिए बोल दिया, अपने आप लगाएगा। अपने आप करेगा। लास्ट मिनट डांस प्रिपरेशंस चल रही हैं, लास्ट रिहर्सल्स। ये देखो प्रीति दीदी कोरियोग्राफर बनी हुई है। मल्टीटास्किंग हो रहे हैं सब। तो गाइस ऑलमोस्ट सब रेडी हो गए हैं एंड फाइनल टचअप्स चल रहे हैं सबके। अंकित जी जो आ रहे हैं मेरे को दो ताले मार के चले जाते हैं। रेखा जी का शादी का भी इससे कम हैवी था। चलो प्रीति को देखें, प्रीति ये क्या कर रही है। लास्ट में हमारी सेलिब्रिटी मुआ का मेकअप चल रहा है और बिचारी को ऐसे करना पड़ा है वॉशरूम में बिना लाइट के मेकअप। उसमें भी चार बार तो लोग आ चुके, क्या कर रहे हो? हाँ क्या कर रहे हो? वॉशरूम से निकलो। चलो कोई नहीं, करो करो आप, हम आपको 20 मिनट्स देते हैं। इस वेन्यू बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है एंड बहुत ही सुंदर लग रहा है। बस लास्ट मिनट के कुछ टचअप्स है, कुछ डेकोरेशंस है जो मैं अभी देखने आई हूँ। बेसिकली मेन तो मेरा फोकस इस टेबल के लिए है एंड बस लास्ट मिनट के टचअप्स करा देते हैं और ऑलमोस्ट फंक्शन का टाइम हो गया है एंड वी आर ऑलमोस्ट रेडी। सो फटाफट करा लेते हैं। रेडी हो चुके हैं, पापा का हेयरडू चल रहा है। पापा मैंने भी बाल नहीं सेट करा, मैं भी ऐसे रेडी हो गया, खुद ही कर लिए। हेयरडू नहीं, हेयरडू ही है पापा ये। प्रीति दीदी रेडी हैं आप? हाँ प्रीति दीदी भी रेडी हैं, बस प्रीति दीदी के कपड़े कहीं कहीं गिर रहे हैं। ऐश्वर्या रेडी है, रेखा हाफ रेडी है, मम्मी फुल रेडी है। हाँ चलो भाई गर्ल गैंग, हाँ गर्ल गैंग पूरी रेडी है। दो रेड कलर में, अच्छा हाँ दो दो सेम सेम से हो गए। हाँ चलो सही है। और अरे तू वहाँ देखना पापा का हेडू चल रहा है। गाइज अब हम सब रेडी हैं एंड पता नहीं किस चीज का वेट हो रहा है। हम नीचे क्यों नहीं जा रहे हैं? बस चल रहे हैं, भूख भी लग गई। सो चलो, लुकिंग वेरी नाइस। हटो प्रीति दी, इनकी लुक दिखा दूं? प्रीति की आपने दिखा दी? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। वीरे दिखाओ। वाओ सो गाइज ये तीनों बहुत सुंदर लग रहे हैं। तीनों नहीं वैसे हमारे, बट मेरे तीनों नहीं, हम पांचों, मैं भी हूँ गाइज। हम सब बहुत सुंदर लग रहे हैं। सब भी सुंदर। सो अब हम पार्टी एंजॉय करेंगे, सबका डांस देखेंगे, नाचेंगे, पैसा उड़ाएंगे, पैसा डांस करेंगे, डांस करेंगे। हाँ अंकित जी जो डांस करेंगे, वो भी डांस करेगा किसी भी गाने पे चाहे। क्यों परफॉर्मेंस नहीं होगा? हाँ वैसे तो हम नाच ही लेंगे। वैसे तो यार डीआईडी में जाके आ चुका हूँ। वेन्यू अब फुली तैयार है एंड आपको थोड़ी सी लुक्स दिखा देते हैं वेन्यू की। दिस इज वेलकम टू युवराज फर्स्ट लोहड़ी होस्ट बाय जसप्रीत एंड रेखा साबरवाल एंड लेट्स गो इनसाइड। दीदी ने बहुत ब्यूटीफुल डेकोरेशन करा रखी है, जैसा मैंने आप सबको पहले बताया था। हाफ डेकोरेशन मैंने पहले ही दिखा दी थी एंड जस्ट हैव अ लुक। सी रेखा दी अभी भी किसी बात पे लड़ी रही है इवेंट प्लानर से। सो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है सब। अभी हमारे गेस्ट किसी भी मोमेंट पे आ जाएंगे। मम्मी दीदी कैसा लग रहा है? पहला फंक्शन जिसमें गेस्ट से पहले तैयार है। रेखा दी कैसा लग रहा है? पहला फंक्शन है जिसमें हम गेस्ट से पहले रेडी है। सच में बहुत अच्छा लग रहा है, हम गेस्ट को वेलकम करेंगे। हाँ वेरी वेरी ब्यूटीफुल भैया।
सो हम सब रेडी हैं हम गेस्ट को वेलकम करने के लिए फर्स्ट टाइम. ठीक है मैं रखवा रही हूँ. तो गाइज अब बारी है हमें अपने सामान डेकोरेट कराने की. सारा सामान अभी हम इकट्ठा कर रहे हैं फिर डेकोरेट करेंगे अच्छे से प्रॉपर प्रेजेंटेशन देंगे दीदी के पीलिए की. और मैं और मम्मी इस सामान के गार्ड बने हुए हैं. हो गया जीजू गाइज जसप्रीत जीजू के लिए गिफ्ट्स आए हैं. ऐसे पूरा ऊपर हम ऐसे पृथ्वीराज चौहान टाइप्स फील दे रहे हैं जीजू को हर तरफ से. युवराज बन गया हमारे लड़के टूट चुके हैं पाव भाजी पे. और दीदी फंक्शन के इससे पहले रेडी होने में मजा आता है ना. गाइस हमारी डेकोरेशन हो चुकी है पूरी. रेखा दी का पीलिए का सामान प्रॉपरली सेट हो गया है. अंकित गार्ड कर रहे हैं. अंकित आप गार्ड कर रहे हो सामान को. अंकित पूरा बॉडी गार्ड बना हुआ है सामान के लिए. देखो ये युवराज का ये युवराज का ये युवराज का युवराज का युवराज का युवराज का युवराज का युवराज का युवराज ये लेडीज का भी ये नहीं पता किसका कौन सा है. मैं बता देती हूँ. रुको मैं बताती हूँ. रुको इसमें युवराज का घोड़ा. वेट लेट मी एक्सप्लेन यू. यहाँ से लेके यहाँ से वहाँ तक पूरा युवराज है. ओनली यू बी द प्रिंस. ठीक है उसके बाद ये रेखा दी का है उस तरफ वाला मासी का है. जसप्रीत जी को हमने थोड़ी सी कम इम्पोर्टेंस दी है. वो जसप्रीत जी वहाँ रख रखे छोटे. जसप्रीत जी की इम्पोर्टेंस लॉकर में रखी है. जसप्रीत जी को मोटी मोटी इन्वेस्टमेंट हमने दे दी है. यहाँ जसप्रीत जी की इन्वेस्टमेंट कम है बट जितना हमसे हो पाया वी ट्राइड. यार गिफ्ट मिलेंगे हम पहले ही ले रहे हैं. रुक जा क्या है पता नहीं. अच्छा परफॉर्मेंस ये कह रहे हैं हम पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. चाची मुझे बोलने हैं. कौन बोलेगा. अंकित पापा मम्मी और डांस परफॉर्मेंस है कुत्ते. अच्छा बोलेगा कौन बोलेगा. थैंक यू फॉर कमिंग दीदी जीजू. थैंक यू फॉर कमिंग टू द फंक्शन. हो गया खुद ही ले लिए. हमें उम्मीद नहीं हम जीतेंगे. थैंक यू रेखा. थैंक यू.
ओके सो मैम आप भी आ जाइए यार, इतने पैसे खर्च किए गर्ल्स कराने में, लोगों को दिखना भी तो चाहिए प्लीज। अरे सुंदर महिलाओं आ जाओ, तन्नु तन्नु जी, तन्नु जी अब देखो आएगी भीड़ में से। ओके वो उधर लड़कियों का गुलदस्ता खड़ा है, सारी गर्ल्स आ जाओ, चंपा चमेली, अरे फूलों के नाम है, फूलों के नाम। मैम आ जाओ, भैया भैया भैया। ओके सो मैम अब करना क्या है, देयर इज टू रूल्स, गेम के दौरान हम लोग इस डांस फ्लोर से नीचे नहीं आएंगे, रूल नंबर वन। रूल नंबर टू, गेम के दौरान हम किसी के भी बाल नहीं पकड़ेंगे। अरे भैया में बहुत पैसे लगे हैं, मैं नहीं चाहता कि बाल ये छोड़ो, डब्ल्यूडब्ल्यूई कर। रूल नंबर थ्री, जब म्यूजिक ऑन होगा डांस करना है सबने, एंड डांस करना अनिवार्य है, कंपल्सरी है। ओके और जब म्यूजिक चल रहा होगा, म्यूजिक बंद होगा, मैं अपना नाम लूंगा और अपने नाम के साथ कोई भी एक डिजिट, कोई भी एक नंबर लगाऊंगा। लाइक मैं बोलूंगा शेफी टू, दैट मीन्स दो गर्ल्स आपस में हक करेंगी। मैं कुछ भी बना, इट्स कॉल्ड शेफी टू। मैं बोलूंगा थ्री, आपको तीन का ग्रुप, मैं बोलूंगा फोर, आपको ग्रुप बनाना है। मैं जो भी नंबर बोलूंगा आपको ग्रुप रेडी करना, इट्स वेरी इजी। यार इसमें हमें भी रखना था ना यार, ऐसे कैसे मन में लड्डू फूटा। ऑलराइट डीजे गेट रेडी गर्ल्स, डांस इज वेरी कंपल्सरी, थ्री टू वन म्यूजिक। ऑलराइट ओके डी शेफी टू, शेफी टू गले मिलो, जस्ट मेक इट टू, जस्ट मेक इट टू, कौन रहेगा बराबर थी बराबर। आपको जब भी नहीं मिली, ओके ओके दिस इज दिस और शेफी थ्री थ्री मेक इट थ्री, मेक इट थ्री, मौसी रह गई, मेक इट थ्री और मैं आराम काउंट कर ले। मैं बता रहा हूं अभी जो हुआ है ना, काफी ने देखा नहीं होगा, एक मैडम थी इतनी प्यारी तरीके से इस प्यारी सी बच्ची को बाहर निकाला है। वो मैम का नाम क्या है, तस्लीम मैडम ने बचाई, पकड़ा हुआ था, कहते तो हट। ओके सो मैम आप आउट हो गए, थैंक यू, एंड आप भी आउट हो गए, थैंक यू सो मच। मैम आप लोग अपने पति से खेलेंगे, बस ठीक है। हमारे ओके डीज हमारे होस्ट दिखनी रहे पीछे से आगे। ओके रूल्स खुल लीजिए, पहले हस्बैंड अपने हाथ को अपने कोट की पॉकेट में डाल लीजिए, दोनों हाथ, दोनों हाथ पीछे कर लीजिए ऐसे ना, दोनों हाथ सर आप भी डाल लीजिए। बट रूल्स के इस गेम के दौरान आपके हाथ जेब से नहीं निकलने चाहिए, नहीं। ओके बारटेंडर साहब भेज दीजिए सामान, एंड इस गेम के दौरान आपके हाथ बाहर निकल गए तो आप आउट हो जाएंगे, तो प्लीज आपका अंगूठा भी बाहर आए, अंगूठा भी अंदर कर लीजिए। यादें ताजा होंगी, कुछ बचपन की यादें ताजा होंगी। मैम दिस इज फॉर यू, मैम दिस इज फॉर यू, मैम दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर यू। मैम आपने बच्चे को तो बहुत फीड किया था, आज पति की बारी है। ओके ये गेम आप तो पीते ही नहीं है ना, अगले दिन। ओके रूस के, रूस के, रूस के मैम पूरा मैम गिलास नहीं बनानी, हाँ सिर्फ कैप उतारनी है उसकी। अरे मैं कर देता हूँ, हाथ पे डाल के चेक कर लो गरम तो नहीं है। ये वाला ले लो, ये वाला अब खोल दो, अरे खुल गया, डन 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 डन। बट इस गेम के जो रूल बता चुका हूँ, आप लोगों के जेब से हाथ नहीं निकलने चाहिए, एंड सेकंड चीज निकल रहा है ना, सेकंड चीज इसमें कोई दंदी नहीं मारेगा, ठीक है, इसमें कोई दंदी नहीं मारेगा, किसको फाड़ जल्दी मिले नहीं, हाँ प्रॉपर गर्म पानी में, काफी पानी का माहौल है। ओके थ्री वन म्यूजिक, लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी।
ओके लेट्स सी कौन जीता है होस्ट ऑफ द इवनिंग है जे जी हरी अपर 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 थोड़ा सा अरे पूरा एम्प्टी करना पूरा एम्प्टी करना पूरा एम्प्टी करना लेट्स सी फर्स्ट एंड सेकंड को दो मिनट चाहिए फर्स्ट एंड सेकंड सर खत्म करना है आपने भैया थोड़ा सा रह गया थोड़ा सा रह गया बहुत एक्सपीरियंस है इन्हें सेकंड ओके सुवी थर्ड तो आ जाएगा वो कह रहे मेरे दिन चले गए मुझे ग्लास में पीने दो तो क्लैप फॉर जे जे द रॉक स्टार सो मैं चाहूंगा जे जे जी आप अपने हाथों से सर को गिफ्ट दे एंड सर आप अपने हाथों से जे जे को गिफ्ट देंगे मैं लेकर आ गया आदान प्रदान पहले सर आप दे दीजिए प्लीज या क्लैपिंग यू वांट थैंक्स 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 क्लैपिंग कोई नहीं करेगा फोटोज फोटोज एंड सर नाउ ये गिफ्ट आप लीजिए ये इनका हो गया ना हाँ, ये आप कर दीजिए मैम ये लीजिए मैं खुद दूंगा आपको मैं सर 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 दिस ये गाइस गिफ्ट के लिए लड़ रहे हैं आप आप सच में के लिए ऐसे कौन करता है चलो मैं दे सकता हूँ कोई इशू नहीं ये घर पे ही जाना है तो कोई इशू नहीं है दिस इज फॉर यू या प्लीज क्लैपिंग हो जाए विनर्स के लिए वन गाइस इन्होंने गिफ्ट मांग मांग के लिए अलायंस बना के लिए सी तुम्हारे बाबू सारे गिफ्ट भी के बाद पहुंच गए हैं हाथ 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 दैट माय हंबल रिक्वेस्ट टू फैमिली मेंबर्स अगेन आई रिक्वेस्ट टू फैमिली मेंबर्स एंड आओ भैया आओ जस्ट पीजी आओ आओ चलो मोटा मोटा अरे अंकित जी अरे अंकित जसप्रीत अरे अंकित साइड हो जा जसप्रीत जी जसप्रीत जी कसीनो का पैसा जसप्रीत जी कसीनो का पैसा है कसीनो का पैसा भाई ठंड लग रही है अब भाई बहुत बढ़िया
ये देख लो, इसके रिव्यू सुन लो। A1 फंक्शन था गाइस, बिल्कुल मतलब कैसा लगा इनके फंक्शन? ये जो तुमने मतलब स्किल्स कहते हैं स्किल्स। हाँ गाइस, एक और यूवी की लोडी के फंक्शन पे हमारे 100 ब्लॉक्स पूरे हो जाएंगे। अब 100 तो गाइज हमारा क्या नाम है, पार्टी यही खत्म हो रही है। ये अंकित जी की और विशु का, ये देखो अंकित जी का ब्लॉग रिकॉर्ड, ये देखो क्या चल रहा है। केड़ी पार्टी देनी है बाप ने, पजामा पार्टी कब देनी है? यहाँ से जाती नहीं, कब डेट बताओ। डेट क्या बतानी, जिस दिन तुम्हारा मन हो आ जाओ। ठीक है, और कब किस किस को आना है? सैटरडे को सब आ जाओ। ठीक है, मेन्यू क्या? सब चीज हलवाई, वेज नॉन वेज दोनों। हलवाई नहीं चाहिए, सही खाना। मेरा बस अरे रेखा रुक जा, और जो बात चल रही है खाने पीने का है वो रेखा के अंडर में। पजामा पार्टी होगी सबकी मिलके। रेखा के तो कंट्री पार्टी कर रही है। आप जो इसे पार्टी मांग रहे हो कंट्री है, कंट्री पार्टी कब से होगी भाई? पजामा पार्टी कंट्री पार्टी थी कब से? हमें दारू ला के रखी हुई, तुम खाना दो। हाँ मैंने कहा दारू मैं दूंगा। वो दारू की बोतल भी शिमला की बची थी। वो तो रहने दो, आपको अपने घर पार्टी करना सस्ती पड़ेगी, रहने दो इनसे मत। तुम बजाओ मैं और ये इस चक्कर में अपने घर का राशन भर लेंगे। क्या है पार्टी का सामान आ गया नहीं, साथ में लिखते नहीं, ये थोड़ी देर चलो कैसीनो खेल लेते हैं। हां कैसीनो खेल लेते, क्या चक्री घुमा लो, चक्री घंटा चक्री। अरे घुमा लो इस बार, नहीं जरूरी हर बार किस पर चलती है। मत ले लो प्लीज। तू अपने पति को क्यों नहीं संभालती है, क्या कर रहे हैं इसके साथ ब्लैंकेट? अरे इसका फोन फुल हो रखा है ऐश्वर्या का यार। गलत बात है, पहले बोलो पूरी करो पजामा पार्टी। 16,000 की दारू आई होती है। मैं वो अपने फोन में ले रहा हूं फोटो। रेखा इस फोन में दे तू ले। अरे रेखा नहीं दे रही। अरे यार अंकित तू कम से कम बात पूरी सुना कर, कौन से तो फोन छीनता हुआ आ गया। मतलब बता नहीं किसके किसको घुसाना है, कर लग रही थी यहाँ पे भी तो लगा हुआ है। ये गेम घुसाने वाली लाइन ज्यादा समझ आई तेरे को भी, इतना समझ आया किसके कहाँ कहाँ घुसाने हैं ये तो मुझे पता नहीं होता। रेखा को देना है तो रेखा का फोन कौन सा खाली है? तुमने भर रखा है अगुड़ा फुगड़ा भर रखा है उसका ही कौन सा खाली है? पहले खाली करके आ और फ्लैश करके आ, फ्लैश निकाल के आ, फ्लैश करके आ, चल चल फ्लैश करके आ, फ्लैश करके आ। मेरी बात तो सुन, अगड़ा फगड़ा कौन सा होता है? नहीं दोनों दोनों के दोनों वो ले रहे हैं, उसका भी फोन फुल है, उसका भी फोन फुल है। उनमें सांस लेने की एक वीडियो बना, सांस लेने की जगह नहीं है, सांस ले लो। वो सांस भी खींच खींच के आ रहे हैं। जैसे मोटा नहीं होता वो पाता तो थोड़ा उठा के पाता। नहीं आप ये प्रीति पे मजाक नहीं कर सकते, आप ये पर्सनल है। अगर 1 TB में 330 GB यूज करके फोन फुल कहते हैं तो जीजू गोस्ट नहीं नहीं ऐशा का तो नया आया है ना, प्रीति की और रेखा का, सॉरी रेखा का भर चुका है 1 TB। अंकित जी उतरो, मैं गिर रहा हूँ। तू गिरा हुआ है, ये देखो अंकित जी ने रात को प्रीति को करना बाहर तेरे। कल तो अंकित जी मस्त मूड में, इस चक्कर में प्रीति ने कोई वादा ले लिया अंकित जी। तेरे फोन में तो स्पेस है ना? अरे कर ली ना, सुबह की बात है। देखिए स्पेस हो गई, बेस्ट हो गई। इसमें से ऐश्वर्या देख रहे थे, वैसे मैंने कोई वो वाला कंटेंट ले ले, मैं फटिया से ले ली फोटो। ऐश्वर्या करियो ऑन, बगल में छोरा गांव में डिंडोरा 1210 है।